हम सबों की रूह की हदायत के लिए खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का खूबसूरत पैगाम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील इसका 21 बाब 5 ता 11 आयत मुबारक। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा, जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तो उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक्या होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े जलजले आएंगे और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान जाहिर होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम साल के दौरान आखिरी हफ्ते में से गुज़र रहे हैं, और आज की पहली तलावत जो है वह यूहन्ना रसूल के मकाशफा से ली गई है, जिसमें खुदा हमें एस्किटोलॉजी यानी इल्मुल आखर के बारे में आगाह करते हैं कि आखिरी दिनों में कैसा होगा। जब खुदा दोबारा आएगा, अदालत होगी, तो उस वक़्त क्या हालात और वाक़यात होंगे। खुदावंद ने हमें बताया कि उसके फरिश्ते उस वक्त ज़मीन पर दरांती लगाएंगे और जो फसल पक गई है उसे काटेंगे। ये हमें यीशु की उस तमसील की याद दिलाती है जब उसने ज़बान और गेहूं की तमसील हमारे सामने रखी कि खुदा वक्त पूरा होने पर, फसल के पकने पर गेहूं को और ज़बान को अलग करेगा। गेहूं वो है जो खुदा के रास्तबाज हैं, जो खुदा के नेक हैं, जो खुदा को मानने वाले और उस पर ईमान रखने वाले और उसको कबूल करने वाले हैं। खुदा उन्हें अपने खत्तों में यानी अपने मिराज की बेड़ों में शामिल करेगा। लेकिन वो जो ज़बान है यानी कि वो जो खुदा की राह को नहीं मानते, वो जो खुदा के हुक्मों को नहीं कबूल करते, वो जो मसीह को नहीं मानते और शैतान की से गुमराह हो चुके हैं, वो आग में डाले जाएंगे। और ये अदालत के दिन होगा जब यीशु दोबारा अदालत के लिए अपने फरिश्तों के साथ आएगा। आज की इंजील मुकद्दस में भी, जो मुकद्दस लूका की इंजील से ली गई है, उसके 21वें बाब में से खुदा ने हमें सिखाया है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि हर तरफ तबाही होगी, कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करेगी, और हैकल के और यरूशलम के तबाह होने की भी नबूवत की जाती है। वो हैकल, वो यरूशलम जिसकी शान व शौकत बयान करते हुए यहूदी थकते नहीं थे, खुदा ने कहा इसके पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। इंजील मुकद्दस में भी खुदा हमें आखिरी दिन के लिए जागते रहने और हमेशा दुआ करने और तैयार रहने के लिए कहते हैं कि उस वक़्त बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन तुम उनकी पैरवी ना करना, क्योंकि वो दिन जब आएंगे तुम उसे जान लोगे। तो खुदा हमें इन दिनों को जानने और इस पर ईमान रखने की आ तलकीद करते हैं। इसी के साथ आज हम मुकद्दस अंद्रियास डंगलीक और उसके साथियों की शहादत को भी याद करते हैं, जो वियतनाम के पहले काहिन थे और उन्होंने मसीही ईमान का प्रचार किया, जिसकी वजह से वहाँ के बादशाह लोगों ने उन पर बहुत सारी आज़ारसानियाँ रखी और बहुत सारा दिक और तंग किया, लेकिन वो अपने ईमान में से मजबूत रहे, यहाँ तक
उन्हें कहा गया कि अगर तुम मसीही ईमान को और मसीह को छोड़ते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन मसीह और मसीही ईमान को रद्द नहीं किया। इन लोगों ने 1820 से लेकर 1862 तक अपनी जानों का नजराना दिया और वियतनाम के ये शहीदों की तादाद 160 थी, जिसे 1988 में मुकदस जॉन पॉल दोम ने उन्हें मुकदस ठहराया। और आज भी हम उनकी ज़िंदगी और इस कुर्बानियों को याद करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमें भी ऐसा ही जज्बा दे ताकि हम मसीही ईमान के लिए अपनी जान का नजराना दें, ताकि आखिरत में खुदा के दाने तरफ जगह पा सकें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे मसीह खुदावंद के वसीले से।